अनदर वीडियो ऑल्सो वेलकम बैक टू माई चैनल। जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछले वाले मेकअप हॉल वीडियो में बताया था कि मैं ये शीट मार्क्स ट्राई करने वाली हूँ, तो मैंने आज सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ ही शेयर किया जाए। तो ये है द फेस शॉप का ग्रीन टी शीट मार्क्स। मैंने इससे पहले कभी भी शीट मार्क्स यूज़ नहीं किया है। हाँ, मैंने कोई DIY शीट मार्क्स ऐसे ही घर पे बना के यूज़ किया था, पर ऐसा मतलब ख़रीद के मैंने इससे पहले कभी भी यूज़ नहीं किया है। तो चलिए इंट्रो को ज़्यादा लंबा ना करके वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। देख सकते हो मेरे फेस पर कुछ भी नहीं है, मैंने सिर्फ फेस को वॉश किया है ये सेटाफिल की ऑयली स्किन क्लेंज़र से। मैं इसको ही यूज़ करती हूँ, ये बहुत अच्छा एक क्लेंज़र है। तो मैंने टोनर वगैरह कुछ भी नहीं लगाया, आप देख ही सकते हो मेरे लिप्स भी सूखा हुआ है। मेरे इसको लगाते हैं, देखते हैं कैसा होगा। अब जो है इसका स्मेल मुझे बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही सॉफ्ट सा एक स्मेल है, बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। मुझे लग रहा था कि हाइड्रेशन प्रोवाइड करेगा। मैं अब 15 मिनट्स का टाइमर ऑन कर रही हूँ, 15 मिनट्स बाद मैं इसको रिमूव कर दूँगी। तो जो भी है मेरे पास उस पैकेट पे बचा कुचा सीरम मेरे फेस पर और अपने नेक पर, अपने हैंड पर, सारे जगह में अप्लाई कर रही हूँ। आप अपने हैंड्स पर भी इस सीरम अप्लाई कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप इस 15 मिनट के अंदर कुछ भी कर सकते हो। मैंने अपने बॉडी को हाइड्रेशन दिया है, मैं अपने फ़ोन में बिजी रही। हाँ, आप किसी को कॉल भी कर सकते हो, मेरा फ़ोन नहीं उठाया, मैं अनलकी हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड मेरा फ़ोन नहीं उठाया है, तो मैं वैसे ही गेम खेल के टाइम पास कर रही थी। आप कुछ भी कर सकते हो। और सबसे ज़रूरी बात तो ये है, गर्मी में जितना चाहो आप वाटर इनटेक कर सकते हो, बहुत अच्छा होता है वो अपने बॉडी के लिए, फेस के लिए, मतलब स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अभी भी देखो मेरे पास अभी भी 5 मिनट बाकी है। मुझे मतलब मैं 15 मिनट कैसे गुजारी हूँ मुझे ही पता है। सो गाइस, ये लुक मैंने 1st of March को क्रिएट किया था। इफ़ यू गाइस नो हाउ आई क्रिएट दिस ब्यूटीफुल स्मोकी आई ग्लैम लुक, तो आप लोग मुझे कमेंट पे बताना, तो मैं आप लोगों के लिए ये रिक्रिएट करूँगी। फाइनली 15 मिनट ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। ये 22 सेकेंड चल रहा है। तो मैं अभी मास्क को रिमूव करूँगी, देखूँगी कि कैसा फील होता है मेरे फेस को, कैसा फील होता है, कैसा दिखने में लगता है। अभी भी 10 सेकेंड है मेरे पास, तो देखा जाए कैसा होता है। सो गाइज, एज यू कैन सी दैट मैंने अभी रिमूव कर दिया है मास्क को। मेरा फेस बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा था, पर मैंने इस सीरम को ऐसे ही सूखने नहीं दिया। मैंने तो हल्का हाथों से, बहुत ही हल्के हाथों से थोड़ा फेस को मसाज किया है। तो अब ड्राई होने के बाद देखते हैं कैसा लग रहा है मेरे फेस। आप देख
देख सकते हो मेरा फेस ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। मुझे बहुत सॉफ्ट सा फील आ रहा है, पता नहीं मतलब कैसा ग्लो करेगा। एक दो दिन तो ग्लो करना ही चाहिए, मतलब फेस थोड़ा अलग होना चाहिए, अलग लगना चाहिए। पता नहीं कैसा मतलब मेरे फेस पर वर्क करेगा, बट अब जब मैं रिमूव किया हूँ अब से मेरा फेस मतलब थोड़ा हाइड्रेशन मिल गया है मेरे फेस को, ऐसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं अब करूँगी अपने फेस को मॉइस्चराइज। तो मैं बेसिकली ये यूज़ करती हूँ, सेटाफिल का मॉइस्चराइजिंग क्रीम। तो अभी कुछ दिनों से मैंने इसको लगाना छोड़ दिया है, मैं स्किप कर रही हूँ इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी में है और मेरा ऑयली स्किन है। अभी तो गर्मी का मौसम है, मतलब स्टार्ट हो चुका है बहुत मतलब मैं कोलकाता पे रहती हूँ तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी होती है यहाँ पर। तो अब मैं लगाऊँगी मतलब जेल कंसिस्टेंसी में वाटर बेस्ड कोई मॉइस्चराइज मैं लगाती हूँ गर्मी के मौसम में। अब मैं लगाऊंगी ये लैक्मे का एब्सोल्यूट स्किन ग्लॉस जेल क्रीम, ये वाला, ये छोटा छोटा वाला है मेरे पास। आप चाहो तो इसका जो बिग साइज में आता है वो भी खरीद सकते हो, ये बहुत अच्छा क्रीम है। मैं इसको अब अप्लाई करूंगी। अब मैं करूँगी अपनी लिप्स को मॉइस्चराइज जो इस लिप बाम से, ये है एवोन नेचुरल स्ट्रॉबेरी लिप बाम। तो गाइस यही तक था मेरा आज का वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा देना। तो चलिए फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।